आई होप यू ऑल डूइंग गुड. उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे. टुडे इज द सेकेंड वीडियो ऑफ प्रेगनेंसी सीरीज एंड एज यू ऑल नो दैट इन द प्रीवियस वीडियो आई हैड टॉक्ड अबाउट ऑल द पॉसिबल फिजियोलॉजिकल चेंजेस एज वेल एज इमोशनल चेंजेस दैट हैपन इन अ वुमेन्स बॉडी व्हेन शी इज प्रेगनेंट. एक औरत जब हमल में होती है तो इन 9 महीनों में उसके जिस्म में होने वाले तमाम चेंजेस और साथ ही उसके एहसास और जज्बात का बदलना, उसके हार्मोन्स के बदलने की वजह से उनमें चेंजेस आना, इस सब पे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी. और आज की भी इस वीडियो में मैं एक निहायत अहम सवाल का जवाब लेके आई हूँ जो मेरी नज़र में हर औरत को पता होना चाहिए ताकि वो मुकम्मल एहतियात कर सके. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर्स पर मुश्तमिल है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसमें हमल के पहले 3 महीने हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर जिसमें अगले 3 महीने कुल मिला के 6 और थर्ड ट्राइमेस्टर जिसमें आखिरी 3 महीने शामिल हैं, यानी कि टोटल 9 महीने. इन 9 महीनों को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट 3 मंथ्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर अदर 3 मंथ्स एंड थर्ड ट्राइमेस्टर लास्ट 3 मंथ्स. तो सवाल ये है कि वो कौन सा ट्राइमेस्टर है जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल, सबसे ज्यादा क्रूशल या कह लें सबसे ज्यादा अहम है. आखिर वो कौन सा ट्राइमेस्टर है जिसमें सबसे ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए? तो वो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी हमल के पहले 3 महीने. फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसलिए क्योंकि ये आपके बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा और उसके डिवेलपमेंट के हवाले से नहायत नाजुक और क्रूशल है. इसी ट्राइमेस्टर यानी हमल के पहले 3 महीनों में आपके बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर और उसके तमाम ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, उसका दिमाग वजूद में आने लग जाता है. और यही है वो ट्राइमेस्टर जिसमें वो नर्व कनेक्शंस बन जाते हैं जो आपके रहम में आपके बच्चे को हरकत करने के काबिल बनाते हैं. और यही है वो ट्राइमेस्टर जिसमें खुदा ना खास्ता मिसकैरेज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं. सो मेनी बर्थ डिफेक्ट्स में अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड. इसलिए हमल के पहले 3 माह बहुत एहतियात करें. हमल के पूरे 9 महीनों में सबसे ज्यादा नाजुक वक्त शुरू के 3 महीने होते हैं. रोजाना एक फॉलिक एसिड खाएं. ये दवा इतनी जरूरी है जितनी आपकी खुराक. आपने अपने अंदर बिल्कुल खून की कमी नहीं होने देनी और हर रोज आपने एक फॉलिक एसिड इस बकायदगी से लेनी है कि जैसे वो आपकी खुराक हो. फर्स्ट ट्राइमेस्टर या हमल के शुरू के 3 माह सबसे ज्यादा सख्त होते हैं. यस, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ प्रेगनेंसी. और इसका एक रीजन ये भी है कि दिस इज द टाइम जब आपके जिस्म में हॉर्मोन्स तेजी से चेंज होना शुरू हो जाते हैं. आप अपने जिस्म पर बहुत ज्यादा बोझलपन और थकावट महसूस करती हैं. इसके अलावा नौजिया, वॉमिटिंग, सर चकराना, भूख ज्यादा लगना, पेशाब ज्यादा आना और ब्लड प्रेशर भी लो रहना एंड सो मेनी अदर थिंग्स. और इन सब चेंजेस के साथ अकेले डील करना बिल्कुल आसान नहीं है. एक जीते जागते वजूद को इस दुनिया में लाना बिल्कुल आसान नहीं है, हरगिज आसान नहीं है. मैं फिर से कहती हूँ जिस चीज का सबसे ज्यादा आपने ख्याल रखना है वो है 5 मिलीग्राम ऑफ फॉलिक एसिड एवरी सिंगल डे. यस, 1 टैबलेट अ डे एंड एवरी डे. ये दवा आपने हमल के पहले 3 माह तो लाजमी लेनी है बाकायदगी से बिला नहा. यूं तो इट कैन बी टेकन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बट फर्स्ट 12 वीक्स यानी कि शुरू के 3 महीने ये दवा लेना बहुत जरूरी है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके बच्चे के तमाम इंटरनल ऑर्गन्स, उसके अंदर के, उसके जिस्म के अंदर के ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं और फॉलिक एसिड इस सारे अमल को, इस सारे प्रोसेस को नॉर्मल रखता है. अगर आपकी बॉडी में फोलेट लेवल्स कम हो तो ये होने वाले बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का बायस बन सकता है. यानी खुदा ना खास्ता होने वाला बच्चा दिमागी और जिस्मानी तौर पर माजूर हो सकता है. एक औरत में प्रेगनेंसी के दौरान फोलेट यानी खून कह लें एक नॉर्मल इंसान या आम इंसान के नस्बत 10 गुना ज्यादा होना चाहिए ताकि आपके होने वाले बच्चे की बेहतर नशोनुमा हो सके. आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट यानी उसके दिमागी नशोनुमा 5th वीक से स्टार्ट हो जाती है. 6 to 7 weeks तक जाके उसके न्यूरल ट्यूब्स क्लोज हो जाते हैं और उसका दिमाग 3 मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ जाता है जो कि दिमाग के अहम 3 जुज हैं. दे आर नोन एज सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेनस्टेम. तो बेसिकली 7 वीक्स तक यानी 7 हफ्तों तक आपके बच्चे के 3 अहम जुज दिमाग के, उसके दिमाग के 3 अहम पार्ट्स बन चुके होते हैं और फॉलिक एसिड इनके बनने में खलल पैदा होने से रोकती है. किसी किस्म की भी रुकावट जो आपके बच्चे के दिमाग बनने में आ सकती है खुदा ना खास्ता उसको फॉलिक एसिड बचाती है.
چونکہ 7 ویکس تک آپ کے بچے کا دماغ بن چکا ہوتا ہے اور مزید نشو نما آنے والے وقت کے ساتھ مکمل ہوتی ہے. دس از ون آف دی ادر ریزنز کہ فرسٹ ٹرائمسٹر از دی موسٹ کریٹیکل ون. پہلے 3 مہینے حمل کے فرسٹ ٹرائمسٹر از ویری کروشل. اس میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. حاضر ہوتی ہوں اگلی ویڈیو میں ایک اور اہم پوائنٹ پہ بات کرتے ہوئے. پریگنینسی ایک اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ بے پناہ احتیاط کے ساتھ ان 9 مہینوں کا سفر کاٹیں اور آنے والی کسی بھی پریشانی سے آپ کو یا آپ کے بچے کو دوچار نہ ہونا پڑے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. گڈ بائے.